हेलो एवरीवन, सेवन स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी या फिर पुचकी भी कहते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा आटा 1 कप, सूजी 1/3 कप, पानी आटा सानने के लिए और तेल पानी पूरी को तलने के लिए। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें 1 कप आटा डाल देंगे और उसके बाद हम उसमें 1/3 कप सूजी डाल देंगे। अब आटे और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सर का हमें एकदम टाइट आटा लगाना है, इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक टाइट आटा तैयार कर लेंगे। आटे को हम जितना सख्त लगाएंगे, हमारी जो पूरी है वो उतनी ही ज़्यादा कड़क बनेगी। अब इस आटे की हम एक राउंड बॉल बना लेंगे और इसकी हमें एक बहुत ही पतली, जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली रोटी बनानी है। ये जो पूड़ियाँ हैं, जितनी पतली हम बनाएंगे उतना ज़्यादा ये क्रंची बनेंगी। और इन पूड़ियों को बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन्हें सूखने नहीं देना है, क्योंकि अगर ये पूड़ियाँ सूख जाएंगी पतली होने की वजह से तो ये पापड़ की तरह हो जाएंगी। तो इसे हमें पापड़ नहीं बनाना है, इसलिए हमें इसकी नमी बरकरार रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि तेल को पहले से गर्म करके रखेंगे और जैसे ही हमारी पूरियाँ बनेंगी वैसे तुरंत हम इसे तेल से निकाल लेंगे, मीन्स तेल में फ्राई कर लेंगे। अब जो ये हमारी एक बड़ी सी रोटी है ये बनकर तैयार है। अब इसकी हम छोटी छोटी पूरियाँ काट लेंगे। इस पूरी को काटने के लिए हम किसी भी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरियाँ बनाने के बाद इसे हम बेलन से एक बार और बेल लेंगे ताकि जो ये पूरियाँ हैं और पतली हो जाएं। और जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पूरियाँ डाल देंगे और उसे हाई फ्लेम पे एक साइड से फुला लेंगे। जब पूरी फूल जाएगी तो हम इसे पलट देंगे। पूरी को पलटने के बाद इसे हमें लो फ्लेम पे हल्का ब्राउन होने तक पका लेना है। मैंने यहाँ पे आपको एक एक पूरी फ्राई करके दिखाई है, आप 4 से 5 पूरी एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं। इन पूरियों को हमें निकालने के बाद एकदम अलग अलग रखना है और इसमें हम एक टिश्यू पेपर लगा के रखेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो उसमें सोख ले। देखिए हमारी आटे की पानी पूरी रेडी है और ये कितनी क्रंची बनी है। सो एवरीवन, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।